हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल अस्मित M20। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वो है C2D स्टूडेंट के ऊपर में। ठीक है ना, अभी बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरीज आ रहा है कि सर उनका फॉर्म तो फिल हुआ नहीं है, स्टार्ट हुआ ही नहीं रजिस्ट्रेशन, क्या किया जाए, किस तरीके से क्या करना है आप लोग को। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले क्या करना होगा, आपको लाइक सब्सक्राइब कर देना होगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा आपको, इसलिए दबाने बोल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी रेगुलर अपडेट हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है फॉर्म भरने से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे आपको हर चीजें एकदम पॉइंट टू पॉइंट सिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जो सारे स्टूडेंट का क्वेरीज आ रहा है कि सर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को हड़बड़ाने की कोई जरूरत है ही नहीं। अभी भी फिलहाल क्या हुआ है ना, ITI के एग्जाम नहीं हुए हैं। ठीक है, या ITI के जो रिजल्ट है ना वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब तक वो वहाँ ITI रुका रहेगा तो इनका काउंसलिंग कैसे होगा, नहीं होगा ना, तो काउंसलिंग ही रुका रहेगा। यानी कि अभी देखा जाए तो फिलहाल सिनेरियो ऐसा आ चुका है कि एग्जाम करवाने के मूड में है, या तो एग्जाम के डेट अब काफी करीब आ चुका है। ठीक है, तो जैसे ही अगर एग्जाम होंगे पूरे, उसके बाद ही एडमिशन का कुछ चल सकता है। तो जैसे कि 10th के जितने भी रिजल्ट थे उनके रिजल्ट आ चुके थे, जो भी बोर्ड हो सभी का आ गया ऑलमोस्ट अब रिजल्ट। ठीक है, इसलिए 10th बेसिस पे ACPDC का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, मोस्टली 12th का भी सभी जगह पे आ गया, तो इसीलिए उसके लिए ACPC का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन इसका अभी इसलिए स्टार्ट नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे एडमिशन अभी यानी कि एग्जाम बाकी है। कुछ कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो अपनी ओर से करवा दिए होंगे, या डीम्ड यूनिवर्सिटी होंगे तो मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दिए होंगे, पर GTU एफिलिएटेड कॉलेजेस में अभी भी एग्जाम लेने की बात चल रही है। तो जब तक वो चीजें वहां क्लियर नहीं होगा, एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो जितने भी C2D स्टूडेंट हैं, आपको हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज करना है कि रेगुलर बेसिस पे ACPDC.nic.in पे आपको रेगुलरली क्या करना होगा, विजिट करते रहना होगा। आपको चेक करते रहना होगा कि किस दिन उनका पोर्टल खुला। ठीक है, अगर मान लो बाय चांस पोर्टल खुल भी गया तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपको नहीं पता चलेगा। इस चैनल के जरिए आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि पोर्टल खुल गई है भैया, अब फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, तो मेक श्योर करें कि आप चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। कोई भी अपडेट आ रही है तो आप देख लीजिए कि आपके अनुसार है कि नहीं। अगर आपके लिए है तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन लीजिए। ठीक है ना, और जो वीडियो जहां जा रहा है, जैसे कि ACPDC के लिए, या तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ C2D एडमिशन के लिए, तो जितने भी क्वेरी आ रही है ये क्वेरी आएगी ही नहीं अगर आप वीडियो पूरे एट लास्ट देखोगे तो। ठीक है ना, तो ट्राई करो कि वीडियो टिल द एंड देखें और क्वेरी होगी नहीं। ठीक है, और अगर आपको अभी परेशानी आ रही है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हाँ बिल्कुल वाकई में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको हड़बड़ाने की कोई जरूरत है ही नहीं। जैसे ही आएगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, उसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फिल करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो आपको चिंता करने की कहीं पे कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो एकदम बिल्कुल जुड़े रहिए, और अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं आप लोग को बताने के लिए आया था कि रजिस्ट्रेशन फिलहाल तो स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही आएगा तो आपको मैं नोटिफाई कर दूंगा और आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ACPDC यानी कि जो ये डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे, काफी बच्चे हैं जो कंफ्यूज में हैं, या तो उनका कहना है कि अभी क्या करूं सर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ। तो फिलहाल तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग एक ही काम करो, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया था ना ACPDC के लगते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जिसको ACPDC कार्ड के जरिए एडमिशन लेना है वो अपनी कार्ड बनाना शुरू कर दे। यानी आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जितनी है ना, वो तो ऑलरेडी आप अपने पास ला के रख दो। ठीक है, ट्राई करो जितना पॉसिबल हो सके उतना ले आओ आप। अभी लॉकडाउन के अंदर में आप क्या करो, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखो। ठीक है ना, और ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और जितना हो सके
तो आप अपनी बेसिक्स रिवीजन करते रहो कि आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप अपनी डिप्लोमा करने वाले हो, ठीक है? तो मैं मेक श्योर करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग को थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिली होगी, और आप जो हड़बड़ा रहे हो वो बिल्कुल भी अब हड़बड़ाना नहीं। कुछ भी आएगा तो मैं इस चैनल के जरिए आपको अपडेट प्रोवाइड करता रहूंगा, तो इसके लिए आप रेगुलरली मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपडेट देखते रहा करिए। तो ओके, थैंक यू गाइस।